मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने द राइज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर, हमने ये देखा कि किस तरह से कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई. धीरे धीरे उसने पहला हमने बैटल पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी, और अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद में हमने देखा कि वो किस तरीके से इंडिया में अपना पावर को एक्सटेंड करने लगी. अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर, सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेट एंड हिज मीर जाफर वॉज मेड द नवाब. सिराजुद्दौला जो थे वो मर गए, और आपने मैंने बताया ही था आपको, उनको मार दिया गया. उनका जो कमांडर था मीर जाफर, जिसने उन्हें धोखा दिया था और वो टुकड़े लेके नहीं पहुंचा था, जिस वजह से सिराजुद्दौला हारे थे. वो जो प्रॉमिस किया था क्लाइव ने, जनरल क्लाइव ने, उन्हें पावर में बना दिया और उन्हें नवाब बना दिया गया बंगाल का. कंपनी वॉज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम यहाँ सोच सकते हैं कि जब वो खुद पावर, अब उन्हें खुद अपॉर्चुनिटी मिली थी और खुद नवाब बन सकते थे, तो ऐसे में कंपनी ने खुद नवाब क्यों नहीं बने कंपनी, ऐसे में उन्होंने मीर जाफर को क्यों बनाया? तो उसका रीज़न हम कह सकते हैं कंपनी वॉज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड, क्योंकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहती थी, नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना चाहती थी. कंपनी फाउंड इन द डिफिकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब. और ये जानती थी कंपनी कि हमें अपना काम निकलवाना है, हमें बहुत ज़्यादा बिजनेस करना है, पैसा कमाना है इंडिया से, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? पपेट नवाब. पपेट नवाब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होते हैं. तो इस तरीके से कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब बिकॉज द बेसिक अपियरनेस ऑफ द डिग्निटी एंड सॉवर्गिटी वॉज टू बी मेंटेन एंड ड्यू टू दिस दे वर नॉट बी ए हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड टू बी. बिकॉज का रीज़न ये था कि वो देख रहे थे कि जो डिग्निटी है, अब नवाब जो हैंगे मीर जाफर जैसे नवाब बनता है तो उसे अपनी डिग्निटी भी रखनी है, और अंग्रेज चाहते थे कि वो बिल्कुल ये शो करें कि देखो तुम्हारा ही नवाब बना हुआ है, वही तुम पे शासन कर रहा है, हम तो यहाँ पर एक एज ए गेस्ट रह रहे हैं, हमें हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं है. अब यहाँ पर जो मीर जाफर था उसने क्या किया कि उसकी अपीयरेंस जो थी, अब मीर जाफर को बना तो दिया, पर वो क्या करने लगा, धीरे धीरे उसकी अपनी एक नवाब वाली जो डिग्निटी थी वो अंदर जागृत होने लगी. साथ ही वो कुछ अपने जो अंग्रेज चाहते थे सारा पैसा उन्हें ही मिलता रहा, तो वो उसके उनके खिलाफ कुछ कुछ बोलने लगा. मेंटेन एंड ड्यू टू दिस दे वर नॉट द हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड टू. तब कंपनी को रियलाइज हुआ कि वो उसके उनके लिए इतना हेल्पफुल नहीं हो रहा है. दिस टर्न इन टू द अनदर बैटल. और यही रीज़न रहा कि मीर जाफर जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो उनके फेवर में नहीं रह रहा है, और यही कारण रहा दूसरे युद्ध का जो बैटल ऑफ बक्सर में कन्वर्ट हुआ. मीर जाफर एट टाइम ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर अपनी जनता से कह सकते हैं, जो उनकी पब्लिक थी उससे कह सकते हैं कि वो जानती थी, वो उसने अपनी पब्लिक को प्रोटेस्ट करना शुरू किया. अंग्रेज चाहते थे कि जो जैसे प्रॉफिट है वो सारा हमें ही मिले, इंडियन ट्रेड्स को ना मिले, तो ऐसे देखते हुए जो मीर जाफर था उसने उन्हें मना कर दिया कि मैं अपने लोगों के साथ में ऐसा नहीं कर सकता, और उसने अपने लोगों के लिए स्टैंड लेना शुरू किया. एट द टाइम ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट. और उसने अपनी जो जनता थी, उसके बारे में उनको प्रोटेस्ट करना शुरू किया. कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस. अब ये चीज़ कंपनी को पसंद नहीं आई. कंपनी को लगा ये ज़्यादा नवाब बन रहा है, अपनी नवाबगिरी दिखा रहा है, हम लोगों के साथ में ऐसा कर रहा है, हम लोगों के साथ में हमें पॉलिटिकल पावर के कड़ी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, अपनी जनता के बारे में सोच रहा है, उनकी उसमें सोच रहा है, इंडियन ट्रेड को वो कर रहा है, हमने मना किया इंडियन ट्रेड्स नहीं कर सकते, केवल हम ब्रिटिश ट्रेड ही व्यापार करेंगे. इस सब कंडीशन को देखते हुए कंपनी डिपोज हिम, कंपनी ने उसे हटा दिया, और उसकी जगह जो उसका सन इन लॉ था मीर कासिम, उसे उसकी जगह बिठाया गया. But after at a time, Mir Qasim also complained against the company official. अब मैंने आपको जैसे बताया कि बस उनको तो पैसा ही चाहिए था. अब जब सपोज करो अगर मैं राजा बनती हूँ, तो जब मैं राजा बनूंगी तो कुछ काम सारा मैं आपके लिए फेवर में थोड़ी ना कर दूंगी, कुछ काम तो मुझे अपने फेवर में भी करने होंगे, जनता के लिए भी करने होंगे. बस यही बात जो अगर किसी और के फेवर में जाती है तो उनको पसंद नहीं आती थी. तो इसी के तहत मीर जाफर था उन्हें हटाकर मीर कासिम को बनाया गया, और मीर कासिम जो था वो भी कुछ समय के लिए बना, कुछ समय बाद में वो भी चेंज होने लगा, और उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि वो कंप्लेन करने लगे, कंपनी कंप्लेन करने लगी मीर कासिम से, और यही रीज़न था जो दूसरा बैटल ऑफ बक्सर हुआ. ओके स्टूडेंट, हमने पढ़ा पिछली बार, जैसे हमने देखा कि मीर जाफर को है ना उन्होंने हटाकर मीर कासिम जो उसका सन इन लॉ था उसे नवाब बना दिया बंगाल का.
पर मीर कासिम भी काफ़ी समय तक उनका पपेट बनकर रहा। फिर भी अंग्रेज़ों को उनसे कुछ ना कुछ शिकायतें बढ़ती चली गई। और जब अंग्रेज़ों शिकायतें बढ़ती चली तो इसकी एक जो असर था वो मीर कासिम को भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि हमारे बीच में जो विवाद बढ़ रहे हैं ये कभी भी मुझे भी हटा सकते हैं। तो मीर कासिम ने उस समय सुराजुद्दौला थे उनके साथ जो संधि की थी बंगाल ने, उनको और मुग़ल एम्पायर जो थे उनको मिलाकर अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा। इस युद्ध को बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है, जिसमें मीर कासिम, मुग़ल एम्पायर और सुराजुद्दौला ये तीनों ने मिलकर जो अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था उस युद्ध को बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। इसमें मीर कासिम जो था वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर मीर कासिम हार गया एंड अगेन मीर जाफर वॉज रेस्टॉल्ड एज नवाब, और दोबारा मीर जाफर को ही नवाब बना दिया गया बंगाल का। ही वॉज फोर्स टू पे, उनको फोर्स किया गया और उनसे कहा गया कि हम तुम्हें बना तो देंगे पर आपको 5 लाख रुपये 5 लाख रुपये हर महीने हमें देने होंगे। कंपनी स्टिल वॉन्टेड टू मोर, और कंपनी की भूख बढ़ती जा रही थी। कंपनी अब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा अमाउंट चाहने लगी थी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड 1765 पे मीर जाफर की डेथ हो गई, जिसके बाद द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, और कंपनी का मूड चेंज हो गया। उन्हें लगने लगा कि अब हमें किसी पपेट की ज़रूरत नहीं है, अब हम खुद नवाब बनेंगे। इसी को देखते हुए द क्लाइव डिक्लेयर वी मस्ट इंडिडेट बिकम द नवाब अवर सेल्फ, और मिस्टर जो क्लाइव थे, रॉबर्ट जो क्लाइव थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें नवाब बन जाना चाहिए। इन 1765 मुग़ल एम्पायर अपॉइंट्स द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविजन ऑफ बंगाल। जब मुग़ल एम्पायर के जो राजा थे वो भी बक्सर में हुए थे, पर उन्होंने मीर कासिम को तो मार दिया, और मुग़ल एम्पायर जो थे उनसे ये अपील की गई कि आप हमें कुछ दीवानी दे दो। तो जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने बंगाल के कुछ क्षेत्र जो दीवानी के थे वो अंग्रेज़ों को दे दिए, और इस तरीके से अंग्रेज़ों ने फिर आगे, अब अंग्रेज ताकतवर समझने लगे थे, अब उन्हें लगने लगा था कि हाँ अब हम इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं। इसको देखते हुए आगे उन्होंने मैसूर पे कब्जा कैसे किया, उसके बाद एक ताकतवर साम्राज्य मराठाओं का भी था उस पे कैसे कंट्रोल किया, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।